यूपी टेट परीक्षा की तैयारी पूर्ण, दो पालियों में 27,436 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। मथुरा में होने वाली टेट की परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली है। जिला प्रशासन परीक्षा को सफल बनाने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक्स मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। 18 नवंबर को होने वाली यूपी टेट की परीक्षाओं की तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है और आगामी होने वाली परीक्षाओं की जानकारी देते हुए मथुरा के जिला विद्यालय निरीक्षण कृष्णपाल शर्मा ने बताया कि जिले में टेट की परीक्षा दो पालियों में होंगी और सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। शर्मा ने बताया कि जिले में दो पालियों में परीक्षा होंगी। पहली पाली में ठहरवी नयन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और दूसरी पाली में 20 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पहली पाली में 300 ठहरवी परीक्षा देंगे तथा दूसरी पाली में 106 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सभी सेंटरों पर पहली पाली में 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 39 स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। साथ ही 39 शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षक परीक्षा में तैनात किए जाएंगे। दोनों पालियों में जो परीक्षार्थी परीक्षा देंगे वो 27,436 लोग परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र बीएड बीटीसी का प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो रजिस्टर्ड अधिकारी से संबंधित सत्यापित प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने से करीब 10 मिनट बाद अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यूपी टेट की परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलेगी और दूसरी पाली की परीक्षा 3 से 5:30 तक चलेगी। 30 मिनट पहले अभ्यर्थी को कमरे में एंट्री दे दी जाएगी। इस दौरान कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, किताब। यहां पर 39 केंद्रों पर प्रथम पाली में होगी और 20 केंद्रों पर द्वितीय पाली में होगी, जिसके लिए 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, 39 स्टेटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, 39 शिक्षा विभाग के भी पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। टोटल कितने अभ्यर्थी भाग रहे हैं? टोटल परीक्षार्थी प्रथम पाली में 18,330, द्वितीय पाली में 9,106, कुल 27,436 परीक्षार्थी हैं।